दोस्तों अंजू के रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज आपको मलाई जो रहते हैं ना, उससे जैसे फेंट के उसका जो दूध निकलता है उससे कलाकंद बनाना सिखा रही हूँ। पहले मैं मलाई को फेंट लेती हूँ, मलाई को ऐसे मैं फेंट लेती हूँ 5 से 7 मिनट, जब तक कहीं इसका मक्खन ना निकल जाए। देखिए दोस्तों, मैंने इस तरीके से मक्खन को फेंट लिया बहुत अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से मक्खन कितना प्यारा निकल चुका है, और ये जो पानी और ये दूध रहता है ना जो मलाई के अंदर, वो छोड़ दिया है। और इसे मैं और अच्छी तरीके से इस तरीके से धो लेती हूँ, और इसे मैं अभी रख देती हूँ। देखिए दोस्तों, जो मक्खन को धोने से और जो मलाई का दूध है, लगभग 1 गिलास है, अपन इसे नाप लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं इसका कलाकंद बनाना बताऊंगी आपको। देखिए दोस्तों, मैंने एक पैन में ये दूध जो बचा हुआ था ना, मलाई का निकला हुआ था, जिसको कि कई बार अपन फेंक देते हैं, देखिए इसका इतना अच्छा यूज़ होगा। बस दोस्तों ये याद रखिए, मलाई में बिल्कुल भी बदबू नहीं आनी चाहिए। आप चाहें तो इसे फ्रीजर में रख सकते हैं। मैं ये 5 दिन की मलाई का ये जो दूध तैयार करी हूँ दोस्तों, देखिए थोड़ा गर्म हुआ है, इसमें अभी उबाल नहीं आया है। मैं इसमें बड़ी चम्मच है, इसमें मैं शक्कर डाल देती हूँ इस तरीके से। आप चाहे तो अपने स्वाद अनुसार, जैसे ज़्यादा मीठा है तो आप इसे और ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, उबाल आने लगा है, और अब मैं इसमें धीरे धीरे कर ये मिल्क पाउडर है इसमें डालती जाती हूँ। एक कटोरी, छोटी सी कटोरी है, इसे अच्छी तरीके से मेल्ट कर देना, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए दोस्तों इसे मीडियम फ्लेम में ही रखिए। और ये देसी घी है, मैं 1 चम्मच इसमें डाल देती हूँ। इसे मीडियम या स्लो फ्लेम में ही, मतलब फ्लेम में ही करते रहना, अच्छे से पकाते रहना है। ये बहुत ही जल्दी बहुत ही टेस्टी कलाकंद बनेगा दोस्तों ये 2 छोटी चम्मच विनेगर है, मैंने 1 साथ बड़ी चम्मच में ले लिया, और इसे धीरे धीरे कर मैं डालूंगी इसमें, और इसे अच्छी तरीके से चलाते रहूंगी। धीरे धीरे कर दोस्तों इसको डालना है, जिससे कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये दूध फट जाए और बहुत ही अच्छा कलाकंद तैयार हो सके। देखिए दोस्तों, दूध फटना चालू हो गया है। देखिए ये कितने अच्छे इसके वो आ रहे हैं रेशे, बड़े बड़े से। देखिए दोस्तों, कितना प्यारा कलाकंद तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं जरा सा 1/2 चम्मच और घी डाल देती हूँ, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ मैं। बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। देखिए दोस्तों, कितने दानेदार बना है ये, बिल्कुल होटलों की तरह। जबकि हम मैयर को क्या करते हैं, अक्सर अलग कर देते हैं, लेकिन देखिए इसका उपयोग कितना अच्छा हो चुका है। देखिए दोस्तों, एक छोटी सी थाली में मैंने बटर पेपर की जगह एक पतली सी पॉलीथीन का इस्तेमाल किया है, और इसमें मैं ये कलाकंद को डाल देती हूँ और अच्छी तरीके से फैला देती हूँ, और ठंडा होने के लिए मैं 10 से 15 मिनट तक रख देती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने छोटी सी थाल में इसे फैला लिया है। अब मैं इसमें हल्का सा कट लगा देती हूँ, क्योंकि गर्म में कट लग जाता है, ठंडे में नहीं लग पाता है। धीरे धीरे छोटे छोटे से मैं इसे कट लगा दे रही हूँ इसमें, और इसे ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ। आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ये ठंडी हो चुकी थी प्लेट, और मैंने एक बड़ी प्लेट में इसे उलट दिया है, और अब मैं इसे धीरे धीरे इस तरीके से टैप 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 कर देती हूँ, और अब इसे निकाल लेती हूँ मैं धीरे से इस तरीके से। वाओ दोस्तों, देखिए कितना प्यारा कलाकंद तैयार हो चुका है। एक गिलास वो भी मैयर का दूध, जिससे कि हम कभी कभी फेंक भी देते हैं। अब इसे कट कर लेती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसे इस तरीके से कट कर लिया, और इसमें मैं बादाम को इस तरीके से चिपका देती हूँ। देखिए प्यारा, कितना प्यारा दिख रहा है दोस्तों कलाकंद। अब मैं इसे उठा के भी आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, कितना प्यारा कलाकंद तैयार हुआ है। तो दोस्तों, मेरी यह रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कृपया मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।